हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए। वीडियो छोटी सी है, आखिर तक देखिएगा। ये है एक्सोडस। ये एक बहुत ही बेहतरीन पेस्टिसाइड है और ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ही केमिकल बेस्ड नहीं है, जिसका नाम है एक्सोडस। अक्सर हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं ये कीड़े मकोड़े पेस्ट से हमारे गार्डन में, चाहे वेजिटेबल गार्डन होवे या फूल पौधे वाले जो गार्डन होते हैं। तो अलग अलग किस्म के पेस्ट्स आते हैं, अलग अलग किस्म के कीड़े मकोड़े आते हैं अलग अलग मौसम के अनुसार। जैसे बरसातों में बड़े बड़े कीड़े आते हैं, और उसके बाद विंटर में ठंडी में अलग किस्म के कीड़े आते हैं, गर्मियों में और अलग किस्म के कीड़े आते हैं। हरदम हम ये जो केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारे जो पौधे भी पौधों का नुकसान हो सकता है, और हमारी जो पॉटिंग सॉइल होता है उसका भी नुकसान हो सकता है, उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, और धीरे 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 करके हमारे पौधे सूख सकते हैं और मर सकते हैं। हमने इस एक्सोडस को अमेज़ॉन से मंगवाया है। आप कोई भी नर्सरी में जाकर के ले सकते हैं, या कंपनी का वेबसाइट है, कंपनी का वेबसाइट से भी आप मंगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो पेस्टिसाइड है बिल्कुल ही हानिकारक नहीं है, चाहे पौधों के लिए या इंसान के लिए या हमारे घरेलू जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली या और कोई, उनके लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। दोस्तों, इस एक्सोडस को 1.5 से 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिक्स कीजिएगा, और पत्तियों के ऊपर और पत्तियों के नीचे स्प्रे कीजिएगा। इस मिश्रण को आप अपने पॉटिंग सॉइल के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, और 15 दिनों में एक बार आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। हर एक पौधे का जो कीड़ा या जो भी पेस्ट होते हैं वो भाग जाएंगे। ये एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है और बहुत ही असरदार है। दोस्तों, हमारे पौधे तो बहुत बड़े नहीं हैं, फॉलिएज बहुत कम है, पत्तियां बहुत कम है, क्योंकि हमने सिर्फ 1.5 महीने पहले इनको पॉटिंग किया था। बम्बई से यहाँ शिफ्ट हो गए पौधे और गोवा में आ गए हैं। पौधों को लाते वक्त हमें प्रून करना पड़ा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़े बड़े पौधे अलाउ नहीं करते हैं। इस पेस्टिसाइड को हमें सुबह सुबह स्प्रे करना है। सुबह के वक्त हमें सूरज के किरणों का इंतज़ार नहीं करना है। जब अंधेरा होता है, ये जो कीटाणु, ये जो पेस्ट होते हैं, ये सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और हमें इन पौधों के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। अगर हमने सूरज की किरणों का इंतज़ार किया, तब तक टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और उजाला आ जाता है, और ये जो कीटाणु होते हैं ये छुप जाते हैं पत्तियों के नीचे या पॉटिंग सॉइल के अंदर या और कहीं। तो जब भी किसी किस्म का पेस्टिसाइड हम पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं, वो हमें सुबह सुबह के वक्त करना होता है। अगर आपने खेती की होगी तो आपको इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आपने हमारी ये वीडियो देख ली। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा सभी को मिले। मिलते हैं एक
बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। गुड बाय।